विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर भिड़े योगी और अखिलेश। योगी ने कहा, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुंगेगा। अखिलेश ने कर दिया पलटवार, चोंगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी कर रहे थे, वो अब कर रहे हैं थोथे प्रवचन। कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, लगातार बीजेपी उस पर हमलावर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम योगी ने कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुंगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वह शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लेते हुए कहा, ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो लोग आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी कर रहे थे, वो अब थोथे प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम में उपाधि लगा लेने से या चोंगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छिपता। राजनीति को बंटवारे के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर अब तक का सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा कि केवल देश के नाम के इस्तेमाल से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इस खबर में इतना ही। वैसे विपक्ष के गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर छिड़ी इस बहस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए विजिट करें thepublicexpress.com।